क्रिकेट के न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके सामने। एशिया कप के लिए 21 अगस्त की दोपहर को जब भारतीय टीम का ऐलान होना था तो उससे ठीक कुछ देर पहले ब्रॉडकास्टर से एक काफी बड़ी गलती हो गई। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजित अगारकर ने जब टीम के 17 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया तो उसमें ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम शामिल था। वहीं इससे ठीक पहले स्टार स्पोर्ट जो एशिया कप का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है उसने बताया कि गिल को भारत की टीम में जगह नहीं मिली है। शुभमन गिल को टीम में न शामिल किए जाने की बात ब्रॉडकास्टर की तरफ से जैसे ही की गई उसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैंस के रिएक्शन देखने को मिले। इससे ठीक 9 मिनट बाद जब अगारकर ने टीम का ऐलान किया तो उसमें गिल का नाम शामिल था। ऐसे में ब्रॉडकास्टर को अपनी गलती को लेकर माफी भी मांगनी पड़ी।